कुमार सिंह की गलती बताया था, इसलिए वो शहर उस माहौल के सामना कर रहे थे। इस माहौल पे इंसान का कोई वकार नहीं, इंसानियत की अकलत नहीं। अब देखिए क्या ऐसा देखे साहब और महसूस करने वाले हजरात, आप सोचिएगा कि लोगों को क्या तफ्तीश दे दी हुसैन ने, लोगों को क्या माना था करके हुसैन ने, हुसैन ने क्या मानवियत देखी कुरान की रोशनी में और हयात नबवी की रोशनी में। हुसैन ने बता दिया कि मौत क्या हो गया, मरना मरना एक अजब कैफियत समझी जाती थी। किसी को कहा जाए कि मर गया, इसका मतलब बेकार हो गया। यह है ये इस्लामी एतबार से मरना किसी के अगर मौजूद की पहचान बन जाया करता था, या तो मौजूद की पहचान तो मर गया, मर गया। मर का लफ्ज एक अजब मानसी की हार का लफ्ज है, मर का लफ्ज मौत का लफ्ज मरने के लिए अजब कैफियत थी। एक मानसी अंदाज था, जंग के बाद में जंग के जंग के तमाम जंग के है बच्चे संदर्भ पे जाना था। अगर कोई मर रहा है इस अंदाज से, पहले हम की जाने से लगा के मर गया तो मरना एक अंदाज है, फिर के मुताबिक खत्म हो जाना है, इसका वजूद खत्म हो जाना है, इसका बिल्कुल सिलसिला ही रुक जाना है। मर गया, मौत को खात्मे का नाम दिया गया। उस माहौल में मौत को खात्मे का नाम दिया जा रहा था कि जब मर गया तो गया, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है। अब न रूह सामने न कोई हरकत है, न कोई जिस्म में ना में कोई बात है, न रफ्तार है, न गुफ्तार है, तो कुछ भी नहीं है। इस मौके पर फिर कुरान ने समझाया, फिर कुरान ने समझाया कि तुम मुर्दा कह रहे हो, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो सिर्फ जिंदगी की अलामत नहीं है बल्कि वो जिंदगी के हामिल अलामत है।
होकर खुद भेजेगा, ये जगह आके अक्लेशानी ठहर जाती है, अक्लेशानी ठहर जाती है। अजीब मन रहे फिर रहे बहुत देर का क्या पैगाम जा रहा है तुम गुरु के जरिए से, कि आप वो पर्दा की मिसाले हैं। मैंने भी देखा, अपने खानदानों ने देखा, आपने भी देखा होगा। आप बहुत कीजिएगा एक बीमार की इलाज के लिए, बीमार के इलाज के लिए कितनी कोशिशें की जाती है, अतुल बसा कोशिशें की जाती है। अपने वसाइल को अपने दिल से ताल्लुक रखते हुए, इज्जतों से ताल्लुक रखते हुए कितनी कोशिशें की जाती है। और बाकी मालिक भी बड़ी कोशिश करता है, मालिक भी बड़ी कोशिश करता है। इसको कोई भी नाम दे दें, आप डॉक्टर कह दें, हकीम कह दें, शराब कह दें, जो नाम दे दें, बड़ी कोशिश करता है। लेकिन मैंने भी अपने अपने कानों से अल्फाज सुने हैं कि मालिक की दबा से अल्फाज आ जाते हैं कि हाँ बस ठीक है, ठीक है, अब तो आदमी हो जाता है। अगले सानी घर गई कि हम अब दो आदमी उड़त है, बल्कि एक जुमला और अदब है, मुझे बहुत नागवार की गुजरता है। मतलब आपकी तौर पे ये कहते हैं कि मतलब हम यहाँ पर जो लोग बेचारे आते हैं अपने मरीजों को लेके, जब आप उनसे पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, तो क्या कहते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब जवाब देने का मतलब क्या है, घर ले जाओ, घर ले जाओ, बस दुआ करें, दुआ करें। अरे सिर्फ यही नहीं, बल्कि बड़ी अदब कैफियत नाम है, बार बार घर वालों से अगर पूछे, अगर घर वालों से पूछे ऐसे मरीज के बारे में जो बताए, अब एक अलग कैफियत दाखिल हो चुका है, तो घर वाले क्या कहते हैं, वो भरा का जुमला अपनी लुगत का जुमला व्यवहार करता हूँ, जो लुगत सिर्फ किताब नहीं होती, लुगत मार्च में रुपा करती है, लुगत सोसाइटी में रुपा करती है। तो लोग घर वाले ऐसे मारे तो खुदा ना खास था क्या कहते हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे है क्या है, तो क्या कहते हैं, वो कहा करते हैं बस आप उनके आराम के लिए दुआ करें, उनके आराम के लिए। जब ये कैफियत आ जाए तो मालूम हुआ कि जगह आके दाखिल रुक जाती है, साइंस रुक जाती है, तमाम सहूलतें रुक जाती है, तो फिर वहां वो कैफियत आती है जिसे दवा की कैफियत कहते हैं, जिसे दुआ की कैफियत कहते हैं। अब देखें क्या एहतमाम है, दुआ है। अब देखें जब सारी कोशिशें मादी दवा से कर दी, तो फिर मालिक भी ये कह रहा है अब एक ही इलाज रह गया, वो दुआ का इलाज है, वो दुआ का इलाज है। तो जिंदगी जब रूहानी है जैसे तैयार करे, तो मालूम होता है कि रूह बदतर है, रूह अफजल है। और फिर मुआशे पे लब दे रहा हूँ, अखबारी जबान से लब दे रहा हूँ, सहाफती जबान से लब दे रहा हूँ, कि और कीजिएगा जब किसी के इरतहाल की शान है, इरतहाल की खबर आती है, तो यही कहा जाता कि कफत अंसरी के रूह से कफत अंसरी अलग हो गया, बल्कि क्या कहा जाता है, कफत अंसरी से रूह परवाज कर गई। आम जुमला है, कफत अंसरी से रूह परवाज कर गई, यानी रूह बका है, और जिसमें इंसानी फना है, फना है, वो फना हो गया, क्योंकि मर्जी मर्जी में भी जाती है। और बड़े भलाई का बड़ा मसाई का मामला है, मसाई का मामला है, जब मर्जी मर्जी में चली जाए तो वो मर्जी हो जाती है, मर्जी हो जाती है। और तौलील मसाई में मसला मौजूद है कि देखो कब्र को उस वक्त तक कब खोलो जब तक वो मुर्दा मर्जी ना बन जाए, मर्जी ना बन जाए, यानी खाक का बना हुआ खाक के सामने हो जाए, तो खाक खाक हो जाती है, लेकिन रूह कायम रहा करती है। सवाब का एहतमाम भी रूह के लिए हुआ करता है, सवाब का एहतमाम भी रूह के लिए हुआ करता है। तो जब रूह बका है, तो फिर आप देखें बका तो बकरहाल है, बका तो बकरहाल है। अब वो बका किस अंदाज से, एक बकाए आम है और एक बकाए खास है, एक बकाए आम है, एक बकाए खास है, हर एक को जिंदा रहना है। तो आप खुद कह रहा है सुनवाई नहीं, वो खालिक है, वो मुसव्विर है, वो अल मुसव्विर है, वो अपनी तस्वीर को कायम रखना चाहता है।
उनकी वाबस्तगी से, उनकी जिंदगी से हमें जिंदगी आता हो रही है, ये जिंदगी ऐसी आता हो रही है कि आप उनके नाम से जिंदगी हासिल कर रहे हैं, उनके जिक्र से जिंदगी हासिल कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी नजर नहीं कह रहा, आपकी नजर कह रहा हूँ, आप उनके नाम को लेके देखे आपको जिंदगी मिले, आपको शऊर मिलेगा, आपको अकल मिलेगी, आपको के माना समझा रहा है कि जिंदा तो सबको रहना है, हयात मुसलसल है, हयात मुसलसल है, मौत तो एक वफा है, मौत सिर्फ वफा है, एक वफा है, मौत क्या है, एक मानवी का वफा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। ये तो एक एक रेस्ट रेस्ट सेंटर है, एक रेस्ट पॉइंट है, एक आराम का वक्त है, वरना आगे चलेंगे जरा दम लेकर, जब चलेंगे तो फिर आगे चलेंगे तो हर एक के लिए है, लेकिन जब शहीद के लिए आया तो फिर जैसे तमाम से आया है कि हम तुम्हें इस अंदाज की जिंदगी दे रहे हैं जो बगा की जिंदगी है। तो मौत इंसान के लिए बगाए तो खात्मे का एक आलम है, लेकिन नहीं, मौत खात्मा नहीं है। जब राय हक में जान दे रहा है, जब राय ईमानी में जान दे रहा है, तो उसका खात्मा खात्मा नहीं है, वो बगा के अलावा बनता है, बगा के अलावा बनता है। अलावा कहीं अभी साहब का अलावा उनका नाम लेना जरूरी,
समझता हूँ जनाब प्रोफेसर करार हुसैन साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक उभर शख्सियत, उन्होंने जो का लिखा था और कहा था कि वो हस्ती जो हुसैन की हस्ती है वो है जिसने मौत के मुंह में से जिंदगी के मौत के मुंह में से जिंदगी के खड़ी, ये पता है, ये पता है कि मौत सामने खड़ी है लेकिन जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं हर एक को जिंदगी, मौत उनके सामने यकीन एक कैफियत ऐसी है जो खिताब जिंदगी नहीं है बल्कि अबदी जिंदगी का आवास है। इसलिए कहा जहां जा रहे हैं उस अली के बेटे हैं जिसने बताया कि मौत क्या है, जिसने बताया कि जिंदगी क्या है, मौत को शुक्र से वाबस्ता करने वाली हस्तियां मौत से नहीं जिंदगी से वाबस्ता हो जाती है, जिंदगी से वाबस्ता हो जाती है। हजरत अली मुर्तजा ने से जब पूछा था किसी ने ये कहा गया कि रमजान के महीने में एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर तुम्हारे लहू से सुर्ख हो जाएगा, तो आपने जवाब दिया पूछा था कि क्या ये सब कुछ जो होगा ये इस्लाम की बका के लिए होगा, दीन के लिए होगा, तवज्जो दिलाई थी अली की नाजिब, अगर ऐसा हुआ तो क्या वो तुम्हारे लिए मकाम में सब होगा। आप देखें हमने गुफ्तगू शुरू की थी मौत के तसव्वुर से, अब आइए इस मरहले पर पहुंचे कि मौलाए कायनात से पूछा जा रहा है कि रमजान के महीने में तुम्हारा सर तुम्हारे लहू से सुर्ख हो जाएगा, तो बताओ क्या तुम्हारे लिए वो मकाम मकाम में सब। अल्लाह मेरे पास
बहुत मुश्किल है। तो जवाब किसी तक तो बात भी सही होती है, लेकिन असल में मसला ये है कि हमें बात की मुश्किलियत को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने मसाइल को देखना है कि हम कहाँ तक बात पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जबान का म्यार कहाँ है, हमारी बेफिक्र का म्यार कहाँ है। लेकिन हमारे बातों का अल्फाज ये तकलीफ और विश्वास गुजार हो जाती है, लेकिन कारमाना तहकीक से किसी हद तक आसानी बराम हो जाती है कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश है। अगर अकल मसलहत अंदेश इतनी ज्यादा होगी उतनी पुख्ता होती है। मसलहत अंदेश की बहुत कैफियत है खास, मसलहत ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, उसको अच्छा ना लग जाए, ये चीज ना छिन जाए, वो चीज ना छिन जाए, ये ना हो जाए, वो वगैरह वगैरह सब फैक्टर आते हैं। तो पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश है अकल, और इश्क है मसलहत अंदेश तो है खाम। अगर इस मसले का देश है तो फिर अभी कच्चा है, अभी वो पक्का नहीं है, अभी पुख्ता नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मसले का देश ही नहीं है, वो तो बेहतर आपके से मौजूद पड़ता है, वो फिर पूछता नहीं है कि मुझे मक्के जाना है, मक्के से कहीं और जाना है, वो पूछता नहीं मुझे मक्के से कैसे रवाना होना है और मुझे कब कर रहा है, वो फिर ये नहीं पूछता कि बच्चों को लेकर जाऊं या उस बच्चे को लेकर जाऊं, मैं इसको लेकर चलूं या उसको लेकर चलूं, इस बीवी को भी लेकर जाऊं या बीवी को भी लेकर जाऊं। मजबूत हो जाता है जैसे शरीर भी है, सब्र हुसैन भी है, मान गए वजूद में बदर हुसैन भी है। जब ये सारी तारीफ तरफ इश्क से वाबस्ता हो जाए तो मैं कोई कारगिल माना सोच के मुताबिक नतीजा हासिल कर रहा हूं, ये और भी इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आप इनकी हदें हैं, इसकी हदें नहीं है, इसकी नौजतें हैं, इसकी कैफियतें हैं, इसकी मंजिलें हैं, वो मुर्दा है, तुमको मान भी ना करो, सो
गया है कि तुम समझे नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। आज तक ये भी कहा गया है कि तुम सब इराक नहीं है, इराक भी रहते भूल गए, सब बेटे भूल गए, सब जायदादें भूल गए।
तो हीले किसके हैं? मौत के बहाने हैं। जैसे मौत के बहाने होते ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बहाने हैं। इसी तरह का हीले किसके हैं? जरिए हैं, बहाने हैं, अल्लाह असबाब है। और ये भी कहा करते थे, कहता कि बहुत से नाम हैं, उनमें से बहुत नाम नाम जो जिंदगी में बड़ा काम आता है, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हम सबके लिए। और वो नाम है मुसब्बिहुल असबाब। मैं यकीनन जिस मैं तो अपनी तमाम
क्या 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 सादगी, क्या एक मर्यादा वाली शख्सियत आज की जिंदगी में ये बड़ा एक बहुत ही रेयर कमोडिटी कहा मैं चाहिए आम लोगों में आज की जिंदगी में अखलाक क्या का मुजाहरा अगर मफहूम इख्तियार कर गया है। अगर आप अखलाक हो जाए लोग उसे कमजोरी समझने लगते हैं, अगर आप अखलाक हो जाए लोग उसमें आपकी कोई मसला समझने लगते हैं। लेकिन नहीं, जो साहबान ईमान है जो किस बारगाह से ताल्लुक रखते हैं वो अखलाक इस तरह से इख्तियार करते हैं कि वरना पर मिजाज होता है, चेहरे पर तबस्सुम होता है, मुस्कुराहटें होती हैं, सादगी होती है, अपने आप को हकी बना के पेश करना होता है, अपनी जिंदगी में ईमान का मुजाहरा करना होता है। ये सारे मसाइल अखलाक आते हैं और ये सारे उसी का शैतान है। हमें हुसैन ने बताया क्या कहा अखलाक के दर्जात के है, जैसे हुसैन अपने अजीजों की मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, लाश कहता हूं अजीब सा लगता है, कुर्बानियों में जा रहे हैं, मैयत कहना भी मुझे अजीब सा लग रहा है। किस कैफियत में है वो लोग, जिस तरह अपने किसी अजीज के लाजे पे जा रहे हैं इसी तरह हुसैन अपने दोस्त के लाजे पे जा रहे हैं। ये है अखलाक, यह है अखलाक। ये वर्षा कहां से मिला है? ये वर्षा हुसैन की दरगाह से मिला है, ये वर्षा बारगाह इमाम से मिला है। हुसैन ने बताया देखो आओ इस तरह अखलाक याद कर रखते हो तो हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे अजीजों में ये जो इंतिसारी है, ये जो बाजगी है, ये जो सादगी है, ये दूसरों के लिए इजाद करना है, ये सब क्या है? ये दर्ज हुसैनी है। ये हुसैन का दर्ज है कि अपने वक्त को मुकदम ना रखो, दूसरों के लिए अपने वक्त को कुर्बान कर दो। ये क्या है? और ये जिंदगी का सरमाया कहां से मिलता है? ये हुसैन की बारगाह ने दिया है। क्या हमारा बात है, क्या हमारी है? चले जरा मजबूत नहीं हो जाए इंसान? लेकिन नहीं, जब आप उसके लिए हुसैन की इकदाम को सोचते हैं तो फिर मालूम होता है ईसार किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं। ये ईसारी जो है ना, कि अगर दुश्मन किसी भी मौके पर सिर्फ करबला ही में नहीं, अगर किसी और मौके पर भी अगर दुश्मन अपनी फौजों को पानी पिला रहा है और इनकी फौजों या इनके साथियों को पानी से इनकार कर रहा है तो ठीक है, कर ले इनकार कर ले, लेकिन वक्त बदलता रहता है। फिर वक्त कभी ऐसा भी आ जाता है कि पानी पर इतना खतरा होता है और वो पानी मांगते हैं तो फिर मौला कायनात कहते हैं अरे हुसैन जाओ उनको खिलाफ कर दो, जाओ उनको खिलाफ कर दो, वो उनका मत था, ये हमारा मत है। ये है इंतजारियत, ये इंतजारियत मौला कायनात, ये है रक्षा का, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। कितने बार अखलाक मर गए तो कितना बाप का जिंदा रहेगा। ये अखलाक की जिंदगी है, ये उसने खुल की जिंदगी है। तो हुसैन ने जिस तरह उसने खुल समझाया कि हाँ तुमने हमें पानी नहीं पिलाया था लेकिन हम तो तुम्हारे जानवरों को भी शराब करेंगे, हम तो तुम्हारे जानवरों को भी शराब करेंगे। बस मजलिस आखिरी मंजिल पर मौला हुसैन एक अदाकार की मजलिस है, एक ऐसे सरबराह खानदान की मजलिस है जिसका घर आजादारी का ऐसा मरकज है, जिसके बुजुर्गों ने जाहिर तबीयत में आजादारी की, क्या मरने वाले शख्सियत थे वो वालिद ग्रामीण मरहूम के उन दिन मुलाकातें थी, माशाल्लाह क्या खामोश तबीयत थी, और भी घर में जनाब इन तमाम खानदान से रवाबित रहे और ताल्लुक रहा, जिक्र हुसैन से रिश्ता रहा, जिक्र हुसैन से नस्बतें रहीं, जिक्र हुसैन शनाख्त बन गई। इससे बड़ी शनाख्त और क्या हो, जिक्र हुसैन शनाख्त बन जाए। मौला हुसैन आपने कुर्बान कर दी, एक कुर्बानी का तस्करा करें कुरान की तफसील बयान कर दी, लतनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक एक ही को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी अजीज चीजों को कुर्बान नहीं करते, माफ नहीं करते। आप इन तमाम कुर्बानियों की फहरिस्त देख लें और फिर देखें वो कौन सी शय है कि जो इंसान को महबूब हो, अजीज हो, और करबला में हुसैन ने कुर्बान कर दी। हुसैन सबको दर्जे सब दे रहे हैं, हुसैन ने अजीजों को, दोस्तों को, सबको कुर्बान किया। अरे अपने से महबूब शख्सियतों को कुर्बान करना लोग अपने लिए बारिश से फाते समझते हैं। इमाम का दर्जा तो बहुत बुलंद है, जो गुलामान इमाम है, जो खादिमान इमाम है, उनका अंदाजे कुर्बानी यही है। अरे जनाबे हबीबे शाफी से पूछो कि कह रहे हैं कि मैंने 14 बिन अब्दुल्लाह को कुर्बान करता वो देखना
मैं कहता हूँ जब करियर जवान ने आपसे इजाजत मैदान चाहिए होगी तो आपकी कैफियत दर्द क्या होगी। लेकिन तारीख वसाइल बताती है कि मौला हुसैन ने कहा था कि बेटा मैं तो तेरी इजाजत दे दूँ, अपनी खुबी अम्मा से भी इजाजत दे दो। इन्होंने 18 वर्ष तुमको बड़ी मेहनत से पाला है, आए तो घरों अली अकबर पे क्या नाम आ गया। मसाइब ने क्या तरकीब और तरकीब का आदि नहीं हूँ, जो नाम आ जाए उसका कचरा अपने लिए भाई के साथ समझता हूँ और अपने सब के लिए भाई के साथ का सुपुर्द करता हूँ। आए अली अकबर हो और अब्बास, अभी आपने बच्चे के मन सुने मसला नबी साहब ने कि तुम नबी से बच्चे के मन पड़े थे। क्या बात है कि वो हुसैन के बाजू कटे हैं, वो अब्बास के बाजू नहीं कटे थे। हुसैन के बाजू कटे थे, वो हुसैन के अब्बास के बाजू नहीं कटे थे। आए भाई से भाई की लड़ाई, पूछो उसी के दिल से जिसके जिंदगी में अपने अंदाजे जिंदगी बदल जाए। इतना अच्छा बच्चा पड़ा माशाल्लाह के नबी साहब ने, और बाकी हदीस से क्या फिक्र की है, क्या लोगों का एक एक इशार किया है। और जब भाई भाई की बात आती है तो फिर जाहिर है मोहब्बतें सामने आ जाती है। और फिर मौला हुसैन ने जब वक्त आखिर जाहिर आ रहा था हजरत अब्बास का, तो मौला हुसैन ने कहा था कि भाई जब मैं तुमने एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, और वो ये कि तुमने हमेशा मुझे मौला और आका कहा है, एक बात भाई कहते हो बाद में उतर लो। आए तो वाला ने माम एक दफा भाई कहते मुखातिब कर लो। जब हुसैन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर हुसैन से हजरत अब्बास ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की, और ख्वाहिश ये जाहिर की कि मौला अव्वल वक्त जिंदगी था तब भी आपके चेहरे की इजाजत की थी, अब आखिर वक्त जाहिरी है, अब भी आपके चेहरे की इजाजत करना चाहता हूँ। कहा क्या रुकावट है, क्या बात है। कहा बस क्या बताऊं, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में लहू जमा हुआ है। अगर बात एक तरह एक कसरती तारे हैं, एक यार ना रहे हैं। हुसैन ने अब्बास की आंख से लहू को साफ किया, निकला फिर डाली आए अब्बास अब तुम्हारे जाने ने मेरी कमर तोड़ दी। अब्बास तुम क्या ले आए। मौला अब्बास से कहा था कि मुझे इजाजत है मैदान दीजिए, तो मौला ने कहा था अगर तुम चले गए तो काफले की अलंकारी कौन करेगा। क्या बेकसी का जवाब दिया है हजरत अब्बास ने, कहा अरे वो काफला ही कहा रहा है जिसकी मैं अलंकारी इसकी मैं अलंकारी करूंगा। आए मौला अब्बास आपका नाम आए और फिर आपके साथ अगर एक बच्ची का नाम ना आए तो बड़ी कोताही हो जाएगी। इसके लिए आपने भी कहा था कि जब मुझे दफन करना तो यहाँ लिख देना कि यहाँ पर सफाए सकीना प्यासा दफन किया गया है। आए मौला अब्बास आपको बड़े नामों से याद किया जाता है, लेकिन एक नाम सफाए सकीना है। नहर है पानी में मजा कर लिया, आवाज और पानी पीने सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ये कैसे हो सकता है कि आवाज पानी पिए और सकीना प्यारी रह जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। आए बात आगे बढ़े थे, आए तीर लगा, आए बाजू गए, बिना फिर वक्त हाथ लाया। अरे भाई अब बात का आलम देखा था, आए बीबी सकीना ने कहा क्या बात है, क्या बात है।
अपने बाबा की दो अपना सामान्य सब